हेलो स्टूडेंट्स जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं क्लास टेंथ एक्सरसाइज 13.3 अब बात करते हैं सर 13.3 में ऐसा क्या स्पेशल है सबसे पहले हमने बात कर थी थर्टीन पॉइंट वन जिसके हमने अंदर बात करी थी कर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फिर थर्टीन पॉइंट टू की बात करी इसमें हमने बात करी थी वॉल्यूम की उसमें हमने वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन किए थे अब हम बात कर रहे हैं 13.3 इसके अंदर हम बात करेंगे कन्वर्जन की किसकी बात करेंगे बेटा कन्वर्जन कन्वर्जन में क्या होगा सर तो देखिए बेटा इसमें हम क्या करेंगे कोई भी एक सॉलिड फिगर को लेंगे उस सॉलिड फिगर को हम मेल्ट कर देंगे रीकास्ट कर देंगे रीमोल्ड कर देंगे मोल्डेड कर देंगे जो भी करेंगे उसको हम क्या करेंगे एक सॉलिड फिगर को दूसरे सॉलिड फिगर में कन्वर्ट कर देंगे तो देखिए क्लास जब भी आप किसी एक सॉलिड फिगर को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड फिगर का शेप देते हो तो ध्यान रखना उन दोनों की वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेगी V1 वन इज इक्वल टू वी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए मेरे पास एक स्पीयर है इस स्पीयर को मैंने मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया तो इनकी रेडियस और हाइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ इसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू इसकी वॉल्यूम रहेगी बस यही कंसेप्ट हमें फॉलो करना है इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम पाई की वैल्यू मैक्सिमम टाइम नहीं रखेंगे क्योंकि देखना बेटा इसकी वॉल्यूम में भी पाई होगा और इसकी वॉल्यूम में भी पाई होगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी ठीक है सो so ना बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर वन अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड मेल्टेड मतलब इसको मेल्ट करके रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर क्या बना दिया एक सिलेंडर बना दिया ओके okay. सिलेंडर में क्या होते हैं दो तरह के डायमेंशन होते है. एक होता है रेडियस और एक होती है हाइट रेडियस इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर रेडियस कितनी है जो मैंने नया सिलेंडर बनाया है उसकी रेडियस कितनी है मेरे पास सिक्स सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर तो मुझे इसकी हाइट का पता करना है तो देखिए क्लास क्या होगा इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो तब देखिए क्लास वॉल्यूम ऑफ सफ़ेर क्या होता है हमारे पास 4 बाय 3 पाई 4.2 का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर आर कितना है 6 का स्क्वायर और ऑरेंज ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर जो सेम है पाई से पाई को कट कर दीजिए ओके नाउ 4 अप� फोर पॉइंट टू पॉइंट मैंने हटा दिया है शो so क्लास अगर पॉइंट मैं हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा फोर्टी टू अपॉन टेन फोर्टी टू अपॉन टेन एंड फोर्टी टू अपॉन टेन ये हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स इंटू एच ठीक है क्लास तो देखिए चीज बेटा क्या क्या अपने कैंसिल हो रहा है अपने जैसे ये सिक्स को मैं इसके अपॉन में भेज देता हूँ अगर मैं कैंसिल करने की बात करता हूँ ये हो जाएगा थ्री वन टाइम थ्री हो जाएगा वन टाइम और ये हो जाएगा मेरे पास फोर्टीन टाइम कितना टाइम हो जाएगा फोर्टीन टाइम इस एनीथिंग गेटिंग कैंसल अभी यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है लेकिन उधर के सिक्स पढ़े हैं तो देखिए फोर इंटू फोर्टीन इंटू फोर्टी टू इंटू फोर्टी टू अपॉन टेन इंटू टेन इंटू टेन और यह आ गया सिक्स और ये सिक्स इज इक्वल टू एच ठीक है क्लास अब देखिए क्या कैंसल हो रहा है सिक्स वन टाइम सिक्स कितना हो रहा है वन टाइम और फोर्टी टू कितना हो जाएगा आपने सेवन टाइम ये भी हो गया सिक्स वन टाइम और ये भी हो गया मेरे पास सेवन टाइम तो देखिए क्लास मेरे पास अब क्या बचा फोर इंटू फोर्टीन चौदह चौदह अट्ठाइस और फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स इंटू फोर्टी नाइन अपॉन वन थाउजेंड इज इक्वल टू एच इज एनीथिंग लेफ्ट कुछ भी नहीं बचा हमारे पास तो देखिए क्लास इसका मेरे पास आंसर आएगा एच इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन फोर एंड द क्वेश्चन वॉज इन मीटर और सेंटीमीटर क्वेश्चन हमारे पास था सेंटीमीटर में तो यह आंसर आ गया मेरे पास सेंटीमीटर ठीक है 56 सिक्स इंटू जब आप करोगे 56 सिक्स इंटू करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.740 ये यह आंसर आएगा आपके पास ठीक है एक बार देखते हैं फोर इंटू फोर्टीन अच्छा इंटू सेवन फोर्टी नाइन अपॉन में अपने पास आ गया है टेन वन थाउजेंड ठीक है क्लास तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर हमारा रह जाएगा कितना आएगा टू पॉइंट सेवन फोर ओके थ्री इंटू फोर्टी ओके क्लास सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या कहता है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर रेस्पेक्टिवली मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। तो देखिए क्लास मेरे पास मान लीजिए ये एक स्पियर ये दो स्पियर और ये तीन स्पीयर इसको इसकी रेडियस है मेरे पास सिक्स इसकी रेडियस है मेरे पास एट और इसकी रेडियस है मेरे पास टेन सेंटीमीटर इन सबको मैंने मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके मैंने एक बड़ा सा स्फीयर बना लिया जिसकी रेडियस मुझे नहीं पता है जिसकी रेडियस मुझे नहीं पता है तो मैंने आपको क्या बताया जब भी हमारे पास कोई एक चीज़ को मेल्ट करके हमारे पास कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो इन सबकी वॉल्यूम दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1, इसकी वॉल्यूम मैंने V1 मान ली इसकी V2 मान ली इसकी V3 मान ली इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर तो देखिए क्लास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया फोर बाय थ्री पाई आर वन यानी सिक्स का क्यूब प्लस फोर बाय थ्री पाई एट का क्यूब प्लस फोर बाय थ्री पाई टेन का क्यूब इज इक्वल टू फोर बाय थ्री पाई कैपिटल आर का क्यूब ओके अब यहां देखिए फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री पाई मेरे पास क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है टेकिंग फोर बाय थ्री एज कॉमन सिक्स का क्यूब प्लस एट का क्यूब प्लस टेन का क्यूब इज इक्वल टू फोर बाय थ्री पाई कैपिटल आर का क्यूब 4/3 4/3 पाई पाई से कैंसिल हो गया 6 का क्यूब होता है 216 6 का क्यूब होता है 216 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000 कैपिटल r का क्यूब अब नाउ क्लास मेरी बात हमेशा ध्यान रखना आपको एटलीस्ट 20 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए तो इन सबको आप ऐड कीजिए बेटा कितना आ जाएगा वन थाउजेंड टू और फाइव हो गए मेरे पास सेवन वन और वन हो गए मेरे पास सिक्स और टू हो गए मेरे पास इज इक्वल टू कैपिटल का क्यूब अब देखिए क्लास आपको पता होना चाहिए वन सेवन टू एट किसका क्यूब होता है ये ट्वेल्व का क्यूब होता है किसका होता है ट्वेल्व का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब कैपिटल आर इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर दिस विल बी योर आंसर ये आपके आंसर हो जाएगा ठीक है बेटा ओके तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री हमें क्या कहता है देखना पहले क्वेश्चन समझना अ ट्वेंटी मीटर डीप वेल विथ डायमीटर सेवन सेंटीमीटर इज डग एंड द अर्थ यहां पे जो अर्थ की बात कर रहे हैं वो सॉइल है सैंड है जो भी आप मिट्टी को कहते हो दैट मीन अर्थ जो हमारी खुदाई से जो मिट्टी बाहर निकली है उसका मतलब यहां पे अर्थ है द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म तो देखिए क्लास मेरे पास एक कुआं है मैंने उस कुएं को खोदा दैट इज ट्वेंटी मीटर डीप तो हाइट कितनी होगी मेरे पास ट्वेंटी मीटर डायमीटर कितना है सेवन तो रेडियस कितना हो सेवन बाय टू मीटर ओके मैंने इसमें जितनी भी मिट्टी निकली उसका मैंने क्या बनाया एक प्लेटफॉर्म बनाया प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा या फिर आप एक घर के बाहर क्यूबोडल शेप की चौथरी बनाते हैं जिसमें हम लोग बैठ के बातें करते हैं आप, आप उसको प्लेटफॉर्म समझ लीजिए प्लेटफॉर्म है ट्वेंटी टू बाई फोर्टीन शेप का है ये ट्वेंटी तो टू हो गई और मीटर और हाइट हमें नहीं पता हाइट इसने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेल जो भी मिट्टी इसमें से निकलेगी वो हमारे पास ही क्या प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम आ जाएगा तो बस इन दोनों की वॉल्यूम सेम रह जाएगी सो आई कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल प्लेटफॉर्म ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल बी एच क्योंकि के फ में हमारे पास पाई नहीं आता पाई की वैल्यू क्या है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर स्क्वा था सेवन बाई टू इंटू सेवन बाय टू हाइट कितना है मेरे पास ट्वेंटी मीटर लेंथ हमारे पास कितना है ट्वेंटी टू ब्रेथ कितना है फोर्टीन और हाइट हमें नहीं पता और हाइट हमें नहीं पता ठीक है ओके नाउ जस्ट सॉल्व दिस इज दर एनथिंग गैटिंग कैंसर सेवन से सेवन गया टू वन टाइम्स इलेवन टाइम्स टू वन टाइम्स टेन टाइम्स ओके तो एच यहाँ पर रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा इलेवन इंटू सेवन इंटू टेन अपॉन सॉरी ट्वेंटी टू इंटू फोर्टीन तो देखिएगा क्लास इलेवन वन टाइम्स टू टाइम्स सेवन वन टाइम्स

ठीक है? ओके okay. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है अ वेल ऑफ डायमीटर थ्री एक वेल well है जिसका डायमीटर थ्री है तो रेडियस कितना हो जाएगा क्लास रेडियस हो जाएगा हमारे पास थ्री अपॉन टू मीटर इसकी मैंने वर्थ डीप डेप्थ कितनी रखी है फोर्टीन मीटर डेप्थ मैंने रखी है फोर्टीन मीटर ओके ट है जो अर्थ अर्थ का मतलब क्या है सॉइल या फिर सेंड वॉट एवर यू कैन टेक इट द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैराउंड इट मतलब इस बार जो मिट्टी बाहर निकली है उसका मैंने जो चबूतरा बनाया है वो मैंने वेल के चारों तरफ बनाया है तो कैसे देखिए बेटा समझिएगा यह मेरा वेल था आपने सीनेरी में काफी बार देखा होगा हमारा वेल ऐसा होता है ग्राउंड लेवल है ये क्या है ग्राउंड लेवल तो ये वेल ये यहां तक 14 मीटर है लेकिन ऐसा शेप बना होता है हमारे यहां पे ओके okay. ये जो वेल well हमने बनाया है ये वेल well का चबूतरा है ये क्या है एम्बैंकमेंट ये क्या बनाया हमने एक वेल well के चारों तरफ मैंने बनाया है ठीक है तो अब मुझे पता करना अब मेरे को क्या करना है वॉल्यूम ऑफ दिस ये जो अंदर से जो मिट्टी निकली है और इसकी वॉल्यूम बराबर रहेगी क्योंकि इस बार मैंने इसको चारों लेकिन अंदर से क्या है खोखला है अंदर से तो ये खोखला है अंदर तो यहां पानी आएगा मतलब ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं अंदर तो इसका हवा है ओके okay, तो अब देखिए क्लास इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे अगर मेरे पास ये रेडियस कितनी है 3.3 पॉइंट थ्री बाय टू यानी 1.5 मीटर कितनी है 1.5 मीटर अब ये कह रहा है द वेथ ऑफ द एमबेंकमेंट मतलब एम्बेंकमेंट कितना मीटर चौड़ा है चार मीटर चौड़ा है कितना है चार मीटर तो बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी आउटर सिलेंड्रिकल की रेडियस कितनी हो जाएगी कैपिटल आर कंसिडर कर रहा हूँ कैपिटल आर कैपिटल आर हो जाएगी मेरे पास अंदर की रेडियस है 1.5 बाहर जो चौड़ाई है वो है चार मीटर दैट इज 5.5 मीटर और अंदर वाली जो रेडियस है दैट इज आर स्मॉल आर स्मॉल आर की वैल्यू है 1.5 मीटर ये जो रेडियस है दैट इज 1.5 मीटर तो अब मुझे क्या निकालनी है क्लास याद कीजिए जब आप एरिया ऑफ रिंग निकाला करते थे एरिया एरिया ऑफ ऑफ आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल अब मुझे बात करनी है इसकी तो मैं यहां पे क्या करूंगा एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस एरिया वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर तो, तो देखिए क्लास को कैसे करेंगे क्वेश्चन को वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर ओके तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है माइनस इसकी मैंने अंदर वाले की रेडियस मानी थी तो देखिए क्लास हाइट ये हाइट मुझे पता करनी है कि ये जो चबूतरा बनेगा उसकी हाइट क्या रहेगी ये जो चबूतरा बनेगा कुएं के चारों तरफ इसकी हाइट क्या रहेगी तो देखिए क्लास पाई और एच आ रहा है कॉमन यहां पे आ गया मेरे पास आर स्क्वायर स्मॉल आर याद कीजिए क्लास हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी तो देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 5.5 स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है capital r की वैल्यू है 5.5 और स्मॉल आर की वैल्यू है इसको सॉल्व कीजिए कितना आया पाई एच 5.5 प्लस 1.57 इनटू 4 तो ये हो गया मेरे पास 28 पाई एच कितने आ गई 28 पाई एच ये मेरे पास वॉल्यूम फर्स्ट ओके अब मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वाच पाई आर स्कवाच तो ये पाई आर स्क्का थ्री बाई टू भी लिख सकते हैं है? और एच इसका एच कितना था? 14। ठीक है बेटा ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर टू अब आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट Is equal to volume of earth taken out? According to question, volume of embankment is equal to volume of earth taken out. भाई जितनी मिट्टी निकालेंगे उसी मिट्टी से मैं तो मैं चबूतरा बनाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ एम्बेंगमेंट कितनी आई थी 28 पाई एच और ये वैल्यू कितनी आई पाई 3 बाय टू इंटू थ्री बाय टू इंटू फोर्टीन तो पाई से पाई हो जाएगा मेरे कैंसिल <coughs> <coughs> पाई से पाई हो गया मेरे कैंसिल ओके नाउ अब क्या बचा मेरे पास फोर्टीन वन टाइम और ये हो गया मेरे पास फोर्टीन टू टाइम तो एच की वैल्यू क्या आई बेटा थ्री इंटू थ्री अपॉन टू इंटू टू इंटू टू तो मेरे पास आंसर आया नाइन डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू वन पॉइंट वन टू फाइव मीटर दिस विल बी माई आंसर ये मतलब एक पॉइंट एक दो पाँच मीटर ऊंचा एम्बेंकमेंट बनेगा ठीक है बेटा मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन को आप बस ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को समझना जरूरी है जो वॉल्यूम इसमें से निकलेगी वह वैल्यू इस एम्बेंकमेंट को बनाने में काम आएगी ठीक है बेटा तो ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के क्वेश्चन नंबर फाइव हमें क्या कहता है देखिएगा कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डाय मीटर ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ठीक है डाया कितना है 12 तो रेडियस हो जाएगी मेरे पास 6 सेंटीमीटर और हाइट है मेरे पास फिफ्टीन मैं कोई भी अगर मेरे पास क्वेश्चन आता था आई ऑलवेज यूज़ टू ड्रॉ द फिगर फिगर से आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होती है और इस मेरी आपसे अंबल रिक्वेस्ट है आप भी जब अपनी आंसर शीट हो तो वहाँ पे सबसे पहले यह बनाया ताकि इन्विजिलेटर को पता चले कि बच्चे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं सारे क्वेश्चन जो कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है इज फुल ऑफ आइसक्रीम ओके इस पूरे के अंदर आइसक्रीम है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कॉन्स ऑफ हाइट बारह सेंटीमीटर यह आइसक्रीम एक कोन के अंदर फिल की जा रही है जिसकी हाइट कितनी है बारह सेंटीमीटर और डायमीटर है सिक्स तो रेडियस कितनी हो जाएगी थ्री सेंटीमीटर वे हैविंग हेमस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप ओके तो इसके ऊपर एक हेमिसफेरिकल टॉप भी रहेगा ऐसा तो आपने देखा होगा ना काफी बार हम जैसे वो सॉफ्टी आइसक्रीम खाते हैं ठीक है तो इसके ऊपर एक ऐसा होता है आजकल तो वो नया वाला आता है ये ऐसा डिजाइन वाला ठीक है मैं इस डिजाइन वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर्कुलर शेप वाले की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें दिया है उसके ऊपर एक हेमिसफेरिकल टॉप है हैविंग द सेम रेडियस अगर ये इसके ऊपर ऊपर तो है तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी थ्री सेंटीमीटर तो मुझे बताया ये फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम मतलब इस कोन से मैं ऐसे कितने इस सिलेंडर से इस सिलेंडर में जो आइसक्रीम है उससे मैं कितने कौन फिल कर सकता हूं कितने कौन फिल कर सकता हूं तो क्लास इस तरह के क्वेश्चन में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा वेन एवर एनी आस्किंग यू अबाउट नंबर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे नंबर पूछा जाए कि सर मेरे पास एक रूम uh, की वॉल्यूम इतनी है और एक बॉक्स की वॉल्यूम इतनी है तो इस रूम के अंदर कितने बॉक्सेज आ जाएंगे दे आर आस्किंग द नंबर फॉर द बॉक्सेज तो आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर बड़ी वाली वैल्यू अपॉन छोटी वाली वैल्यू तो उस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी वैल्यू वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लेकिन यहां पे हमें क्या दे रखा है नंबर ऑफ विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन अब कोन में ध्यान रखना हेमोस्फियर भी साथ में है ठीक है तो देखना क्लास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई पाई आर कितना है अपने पास छह का स्क्वायर और एच कितना है बेटा पंद्रह लेकिन यहां पे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ध्यान रखना क्योंकि आइसक्रीम के अंदर हेमिस्फीयर और कोन दोनों है तो पाई इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू फिफ्टीन अपॉन आइसक्रीम कौन की बात कर रहे हैं कौन क्या होता है वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर उसके आर कितना है थ्री का स्क्वायर ऑरेंज कितना है 12 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर आर क्यूब तो आर क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब इज इट फाइन ओके नाउ अब क्या कीजिए अगर कुछ सिमिलर आ रहा है इसमें इसमें तो कॉमन ले लीजिए आप दोनों में कॉमन ले सकते हैं आप दोनों में कॉमन ले सकते हैं तो देखिए क्लास यहां पे क्या होगा सिक्स इंटू सिक्स पाई सिक्स इंटू सिक्स इंटू फिफ्टीन नाउ यहां पे क्या कॉमन आ रहा है देखिएगा क्लास ये पाई कॉमन आ रहा है ओके सो टेकिंग पाई एज कॉमन और क्या कॉमन आ रहा है बेटा देखिए uh, पहले एक बार हम पाई को कॉमन लेते हैं देन एट ये क्लास थ्री का स्क्वायर और थ्री का क्यूब थ्री का स्क्वायर और थ्री का क्यूब है सो आई एम जस्ट टेकिंग ओनली सिंगल थ्री एज अ कॉमन मैंने एक थ्री कॉमन ले लिया है तो मेरे पास क्या रह जाएगा वन बाय थ्री थ्री के स्क्वायर में से एक थ्री कॉमन चला गया तो ये मेरे पास रह गया थ्री और ये रह गया ट्वेल्व ठीक है प्लस टू बाय थ्री एक थ्री तो बाहर रह गया और पाई बाहर चला गया तो ये हो गया थ्री इन टू वॉट एवर इज गेटिंग कैंसिल प्लीज कैंसिल द पाई से पाई कैंसिल हो गया ये हो गया वन टाइम और ये हो गया मेरे पास टू टाइम ये थ्री इस थ्री से कैंसिल हो गया ये थ्री इस थ्री से कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा बेटा टू इंटू सिक्स इंटू फिफ्टीन यहां पे नीचे क्या रह जाएगा पाई चला गया ये थ्री चला गया ये थ्री चला गया ओके नाउ आई एम लेफ्ट विथ ट्वेल्व स टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री कितना हो गया सिक्स टू इंटू थ्री कितना हो गया बेटा सिक्स ठीक है क्लास सो टू इंटू थ्री हो गया आपके पास सिक्स टू इंटू सिक्स इंटू फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व प्लस सिक्स हो गया एटीन तो ये हो गया वन टाइम ये हो गया आपके पास नाइन टाइम कितना हो गया इन टाइम ओके देन ये हो गया आपके पास टू टाइम और ये हो गया आपके पास थ्री टाइम ये हो गया थ्री वन टाइम और ये हो गया आपके पास फाइव टाइम सो टू इंटू फाइव टेन बी फिल्ड दस आइसक्रीम के कोन विद द हेमस्फेरिकल टॉप विल गोइंग टू बी फिल्ड ठीक है बेटा तो ये हमारे दस इस तरह से फिल हो जाएंगे ठीक है एग्जैक्ट आंसर आया तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते तो आपके आई थिंक कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती बड़ी बड़ी वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने में रह जाते तो जब भी आपके पास कन्वर्जन में रहता है तो हमारा कैंसिलेशन वाला पोर्शन यहां पे थोड़ा ज्यादा रहता है ठीक है ओके नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स कितने सिल्वर कॉइंस 1.75 डायमीटर के और थिकनेस है 0.2 पॉइंट mm. टू okay. एम एम ओके ये सेंटीमीटर में है और ये एम mm में है ठीक है मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबोइड तो देखिए क्लास ये मेरे पास सिक्का है एक इसको मेल्ट करके एक क्यूबोइड बनाना है मुझे इसको मेल्ट करके मुझे क्या बनाना है क्यूबोइड तो देखिए क्लास सवाल है कितने कॉइन्स को मैं मेल्ट करूंगा तो पहले ध्यान रखना ये शेप सिलेंड्रिकल है तो इसके पास मेरे पास डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.75 पॉइंट अपॉन टू सेंटीमीटर ओके फिर उसके बाद बात करता रहा हूँ थिकनेस थिकनेस कितना है एच थिकनेस किसकी तरह बिहेव करेगा एच की तरह दैट इज़ 2 एम mm. एम तो ये किसके बराबर है 0.2 सेंटीमीटर किसकी बात कर रहा हूँ 0.2 सेंटीमीटर क्योंकि एम mm एम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ये मेरे पास है फाइव फाइव ये है मेरे पास 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है मेरे पास 3.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर देखिए क्लास मैंने आपको फिर बताइए ऐसे कितने ऐसे कितने मेल्ट करके मैं ऐसा एक क्यूबोइड शेप बना सकता हूं तो आपको फिर बता रहा हूं नंबर ऑफ कॉइन्स जब भी आपसे कॉइन्स या नंबर पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू यहां पे बड़ा क्या है क्यूबोइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन ठीक है क्लास तो देखिए यहां पे भी अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर एल इंटू बी इंटू एस दैट इज 5.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन इंटू कितना है 3.5 ओके okay. अब हम बात करते हैं सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन कितनी है पाई आर स्क्वायर आर कितना है मेरे पास 1.75 पॉइंट अपॉन टू का स्क्वायर और एच कितना है मेरे पास एच है मेरे पास 0.2 कितना है 0.2 सो नाउ क्लास यू हैव टू सॉल्व दिस इसको भी आप 22 टू अपॉन सेवन लिख देना इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर अंतर आएगा 401 कॉइन अप्रोक्सीमेट आंसर भी कितना आएगा अप्रोक्सीमेट एंड योर आंसर विल बी फोर जीरो आंसर आएगा चार सौ एक पॉइंट जीरो जैसे करना है कीजिए बट ये कैलकुलेशन आपको करनी है एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर एज अप्रोक्सीमेट फोर जीरो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेवन हमें क्या कहता है अब कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा सिलेंड्रिकल बकेट मेरे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है इस थर्टी टू सेंटीमीटर है सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल बकेट ले लिया मैंने इसकी मेरे पास हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है क्लास रेडियस है मेरे पास रेडियस ऑफ बेस दिन सेंटीमीटर ओके इज फिल्ड विथ सेंड इस पूरे के अंदर मिट्टी डाली हुई है this bucket is emptied on the ground and a conical heap of a sand is formed okay इसको मैंने एक जमीन पे खाली कर दिया तो ध्यान रखना क्लास जितनी सैंड इसके अंदर होगी उतनी सैंड पास क्रॉनिकल हीप की बनेगी इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 हाइट होगी मेरे पास 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ओके तो रेडियस पता करनी है और स्लैंड हाइट भी पता करनी है तो स्लैंड फॉर्मूला क्या होता है क्लास अंडर रूट र स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस एच एच तो हमारे पास है लेकिन आर पता करनी पड़ेगी आर हम कैसे पता करेंगे इसकी com, इसकी वॉल्यूम कंपेयर करेंगे इसकी वॉल्यूम के साथ तो देखिए क्लास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप कॉनिकल हीप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वायर इसकी आर कितनी है हमारे पास 18 का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप 1 बाय थ्री पाई आर कितना है सर नहीं पता और एच कितना है 20 तो देखिए क्लास जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए पाई से पाई कैंसिल नाउ 18 इंटू एटीन इंटू थर्टी ये थ्री अपॉन में है तो ये आ गया डिवाइड का आ गया मल्टीप्लाई में और ये आ गया 24 फोर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर सो नाउ एट ये क्लास इस तरह हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी रेडियस की यहाँ पे हमारे पास रेडियस की वैल्यू आएगी ट्वेल्व रूट थर्टीन कितनी आएगी ट्वेल्व रूट किसे कैलकुलेट करना है ये कैलकुलेट आपको करना है ठीक है कितना है ट्वेल्व रूट थर्टीन अब मैं बात करता हूं किसकी हाइट हाइट की तो का मैंने आपको बताया था क्लास एल इज इक्वल एच का स्क्वायर आर हमारे पास क्या है आप आर की वैल्यू है हमारे पास ट्वेल्व रूट थर्टीन आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास ट्वेल्व रूट थर्टीन ओके सो दस्ट नाउ लुक एट हियर अब मेरी बात सुनिएगा यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर रहे सिक्स की टाइम थ्री टाइम्स और ये हो गया फोर टाइम्स ये हो गया फोर वन टाइम्स ये हो गया एट टाइम क्या हो गया एट टाइम ओके सो नाउ मेरे पास क्या रह जाता है थ्री इंटू एटीन इंटू एट इंटू थ्री ये मेरे पास क्या है आर स्क्वायर तो एक बार ऐसे ब्रेक कर देता है पूरा थ्री एटीन uh, को लिख सकते हैं अपन नाइन इंटू टू एट को मैं लिख सकता हूँ टू इंटू टू इंटू टू और इंटू थ्री इज इक्वल टू आर स्क्वायर देखिए क्लास ये मैंने स्क्वायर यहाँ से हटाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट का साइन तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम टू और टू का कॉम्बिनेशन एक टू आ गया बाहर टू और टू का कॉम्बिनेशन एक टू आ गया बाहर थ्री और थ्री का कॉम्बिनेशन एक थ्री आ गया बाहर और ये नाइन का 9 का रूट होता है थ्री इज इक्वल टू आर तो टू इंटू टू फोर फोर इन नाइन विल बी आर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स सेंटीमीटर आर की वैल्यू थर्टी सिक्स आएगी क्या आएगी थर्टी सिक्स वैल्यू आ गई मेरे पास थर्टी सिक्स अब मेरी बात सुनिए एल स्क् मुझे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मैं सिर्फ वैल्यू प्लेस कर देता हूं वैल्यू आपको आंसर किसको निकालना है आपको निकालना आंसर मैंने लिखा था ट्वेल्व रूट थर्टीन आंसर फॉर एच का का इतना तो आप सॉल्व करोगे आंसर विल बी ट्वेल्व रूट थर्टीन कितना आएगा ट्वेल्व रूटीन इज इट फाइन बेटा ओके नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट और नाइन को थोड़ा सा एक बार आप स्टार लगा दीजिएगा क्वेश्चन 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 नंबर नंबर और अच्छे बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, है ध्यान okay. wide, deep, काफी बार जैसे आपने सुना होगा इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान के अंदर भी आता है तो उसमें क्या होता है बेटा आप एक स्टेट से या फिर कहीं एक वाटर सोर्स से दूसरे स्टेट में या फिर दूसरी सिटी में या दूसरे विलेजेस में पानी को पहुंचाया जाता है ये गवर्नमेंट सर्विसेज शुरू करती है तो ये मेरा कह रहा है कि मेरे पास एक इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी कैनाल यानी एक वाटर कैनाल है जो कितना है सिक्स मीटर वाइड है हाइट कितना है वन मीटर और इसकी लेंथ अभी हमने डिसाइड नहीं करी है ठीक है ओके okay. फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ स्पीड कितनी है पानी के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है टेन किलोमीटर पर आर कितना टेन किलोमीटर पर आर हाउ मच एरिया इट विल इिगेट और इसमें से जो पानी आएगा उसको मुझे क्या करना है एक एरिया एक एरिया कैसे बात कर रहा है विल इरीगेट इन थर्टी मिनट इफ वी नीड द हाइट ऑफ एट सेंटीमीटर ओके मुझे हाइट कितनी चाहिए एट सेंटीमीटर की कोई फार्म हाउस है या कोई लैंड है उसको उसमें मुझे इतना पानी भरना है कि एट सेंटीमीटर तक पानी भर जाए कितना एट सेंटीमीटर पानी उसमें स्टैंडिंग रहे ओके कोई बात नहीं ये मेरे पास क्यूबोइड बन गया क्यूबोइड का फॉर्मूला हम पता है हमें अब मुझे ये बात करनी है कि सर यहाँ पे मेरे पास वेड़थ है हाइट है लेकिन लेंथ नहीं है क्या है मेरे पास पानी कितने लंबे समय तक चलेगा तो देखिए क्लास यहां पे दिया हुआ है थर्टी मिनट्स तक पानी फिल करेगा कितना फिल करेगा थर्टी मिनट्स तो देखिए बेटा मेरे पास ये स्पीड दे है फॉर स्पीड किलोमीटर पर आर मुझे कन्वर्ट करना है इसको मेरी सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सब मुझे किस में दे रखे थे मीटर में तो मुझे इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर लेकिन इसका देखिए क्या है ये स्पीड है टेन किलोमीटर तो इसको करा थाउजेंड से मल्टीप्लाई देखिए क्लास एक किलोमीटर में क्या होते हैं सिक्सटी मिनट्स और ये है मीटर तो ये मैंने थाउजेंड पर आर तो डिवाइड बाय सिक्सटी तो मैंने क्या किया डिवाइड बाय सिक्सटी तो ये मेरे पास आ जाएगी पर मिनट की ओके तो ये मैंने इसको इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आया थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स मीटर पर मिनट ये मेरी क्या है स्पीड है ठीक है क्लास स्पीड क्या है थाउजेंड मीटर पर मिनट मतलब एक मिनट के अंदर थाउजेंड बाय सिक्स मीटर पर मिनट कवर करता है ठीक है अब मुझे निकालना है डिस्टेंस कितने देर के लिए डिस्टेंस फॉर 30 मिनट, 30 मिनट में कितना करेगा तो इनटू 30 कर दूं 1000 बाय 6 इनटू 30 तो ये हो गया 6 1 और ये हो गया 5 इज इक्वल टू 5000 5000 मीटर तो देखिए क्लास ये क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है हमें ये कह रहा है कि अगर 30 मिनट तक पानी चलाऊंगा तो इसके अंदर 5000 हजार मीटर तक पानी आगे चला जाएगा मतलब ये पांच हजार मीटर तक फेल हो जाएगा तो इसकी वॉल्यूम की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास पांच हजार मीटर ये जो मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हो तो देखो बेटा एक घंटे में दस किलोमीटर कवर करता है थर्टी मिनट मतलब आधा घंटा तो आधे घंटे में कितना करेगा पांच किलोमीटर बस हो गया इतनी बड़ी रामायण करनी लेकिन काफी बार लिखना जरूरी होता है तो वो लिखना भी जरूरी है इसलिए मैंने आपको ये पूरा समझाया है अदरवाइज आप कर सकते हो एक घंटे में दस किलोमीटर तो आधे घंटे में पांच किलोमीटर और किलोमीटर का हो जाएगा मीटर में आप देखिए क्लास मैं क्या कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन फील्ड और इन एरिया एरिया दिया तो करते है। ये मेरा क्यूबोइडल शेप है तो देखिए क्लास वॉल्यूम ऑफ वॉटर कितना यह कौन सा शेप है यह भी मेरे पास क्यूबोडी है तो एल इंटू बी इंटू एच यानी अब वॉल्यूम ऑफ वॉटर यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ

तो मुझे बताना एरिया तो एरिया का क्या होगा ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी ब्रेथ लेंथ इन ब्रेथ हो जाएगा एरिया और हाइट आ जाएगी अपॉन में दैट इज 0.08 कितना आ गया 0.08 अब तो देखिए क्लास ये मैंने पॉइंट हटाया तो ये हो गया मेरे पास 15 इंटू सिक्स इंटू फाइव थाउजेंड ये पॉइंट हटाया तो आया 10 और ये 8 का भी मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर आ जाएगा हंड्रेड ये हो जाएगा मेरे पास एरिया अब इस एरिया को आप कलेक्ट क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है इसमें अपन आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा फाइव सिक्स टू फाइव क्या आंसर आएगा फाइव सिक्स टू फाइव ज़ीरो जीरो मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा मेरा एरिया अब देखिए बेटा एक हेक्टर में कितना होता है टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर अगर आपको एरिया हेक्टर में लिखना है अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी सही है फाइव सिक्स टू फाइव जीरो आंसर हो जाएगा हेक्टर में. में, में तो ये हो जाएगा मेरे फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव हेक्टर काफी लंबा चौड़ा एरिया है जिसको ये क्या कर देगा इरिगेट कर देगा जिसके अंदर एट सेंटीमीटर का पानी इकट्ठा रहेगा नाउ नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो हमें क्या कहता है ये भी इससे काफ़ी मिलता जुलता है देखिए लेकिन थोड़ा टिपिकल है ये थोड़ा उससे टफ लेवल में अब फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर तो डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर और सब कुछ मीटर में चल रहा है तो ये हो जाएगा पॉइंट मीटर ओके कनेक्टेड अ सिलेंड्रिकल टैंक ये मेरे किस में कनेक्ट है सिलेंड्रिकल टैंक में कनेक्ट है तो ये सारा पानी किस में आ जाएगा थोड़ा कलरफुल होना चाहिए ना कोई क्वेश्चन करे तो मजा आया देखने के ठीक है ओके विच टेन मीटर इन डायमीटर इसका डायमीटर तो कितना है टेन मीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी फाइव मीटर और डीप कितना है टू मीटर ओके okay. तो सिंपल सा कंसेप्ट है इससे जितना पानी आएगा वो उसकी वॉल्यूम इसके बराबर रहेगी ओके okay. कोई बात नहीं तब हम क्या करते हैं वॉटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ थ्री किलोमीटर पर आर कितना किलोमीटर पर आर ओके मतलब स्पीड कितनी है मुझे थ्री किलोमीटर पर आर एक घंटे में तीन किलोमीटर कवर करेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब मैं बात करता हूं अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए तो ये पूछ रहा है कितनी देर के अंदर कितनी देर के अंदर ये मेरे इस टैंक को फुल कर देगा देखिए क्लास वापस कह रहा हूँ एक पाइप है जिसको मैंने एक सिलेंड्रिकल टैंक से ज्वाइन कर रखा है इसकी रेडियस पॉइंट वन मीटर है और इसकी रेडियस पाँच मीटर और हाइट है दो मीटर ये पूछ रहा है कितनी देर में इस पानी को फुल कर देगा तो पहले मैं निकालता हूँ क्लास वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ पाइप उसका फॉर्मूला क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच पाई को पाई रहने दीजिए आर हो गया जीरो पॉइंट स्क्वायर टू एच इन टू एच ठीक है बेटा ओके okay. इसको मैंने एच ही रहने दिया क्या रिया एच ही रहने दिया ये एच मेरा क्या होगा क्या सर इसके अंदर कितनी देर तक पानी चला जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था क्लास देखिए पिछले वाले जो क्वेश्चन में हमने जो वैल्यू निकाली थी ये एच की वैल्यू कैसे निकाली स्पीड हेल्प से निकाली थी भाई पिछली बार में सिलेंडर सिलेंडर था? था. Okay, तो में लेंथ किसकी तरह करता है किसकी तरह करता है हाइट की तरह तो यहां पे मैंने इसको एच ही रहने दिया क्या रहने दिया एच ही रहने दिया okay. फिर मैंने क्या किया वॉल्यूम ऑफ ओके okay, तो ऐसा करते हैं क्लास एक बार थोड़ा सा वापस बिल्कुल मतलब इसको शॉर्ट करते लेंदी नहीं करते वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप कमिंग फ्रॉम पाइप कमिंग फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा तो देखिए इसकी वॉल्यूम क्या थी पाई आर कितना था जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर इसका आर कितना था पाँच का स्क्वायर इंटू एच एच कितना है टू तो देखिए क्लास पाई से पाई कैंसल एच इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू टू अपॉन ज़ीरो पॉइंट जीरो वन भाई जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर कितना होता जीरो पॉइंट जीरो वन इसका मैंने पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास हंड्रेड तो ये कितना आ गया बेटा देखिए फिफ्टी इंटू हंड्रेड फाइव थाउजेंड मीटर ठीक है क्लास ओके ये कितना आ गया कि सर इसमें मेरा पानी कितनी देर फ्लो करेगा पांच हजार मीटर तक पानी फ्लो करेगा इसमें इस पाइप में पांच हजार मीटर लंबा पाइप में पानी फ्लो करेगा अगर मान लीजिए मैंने यहां से नल को शुरू कर दिया है तो ये पानी कंटिन्यू 5000 हजार मीटर तक फ्लो करेगा अब देखिए क्लास इस क्वेश्चन में अब हमारे पास एक मस्त ऑप्शन आ गया है इसमें मुझे रेट स्पीड क्या दे रखी थी कि सर थ्री किलोमीटर पर आर तो देखिए क्लास यानी थ्री थाउजेंड ये 5000 हजार को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 किलोमीटर लिख दूँ 5 किलोमीटर लिख दिया यानी थ्री किलोमीटर कितनी देर में कवर करता है 60 मिनट्स में वन आवर को क्या लिख रहा हूं 60 मिनट्स तो वन किलोमीटर को कितने में कवर कर यूनिटरी मेथड याद कीजिए 60 अपॉन थ्री सिक्सटी अपॉन थ्री हो गया ओके okay. तो फाइव किलोमीटर को कितने में कवर कर कितने टाइम में कवर करेगा सिक्सटी अपॉन थ्री इंटू फाइव तो ये हो गया ट्वेंटी इज इक्वल टू हंड्रेड मिनट्स तो सौ मिनट के अंदर आपकी टंकी फेल हो जाएगी क्लास 100 मिनट के अंदर आपके सिलेंड्रिकल टैंक है ना फुल हो जाएगी ठीक है क्लास सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आर क्लासेस गुड डे